हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 41 के क्वेश्चंस आंसर्स और उसके एनटीए एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल सॉल्यूशन ऑफ बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स अपलोड कर दिए जाएंगे और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए जाएंगे। सारे टेस्ट के पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आते हैं पहले बायो पे, देन केमिस्ट्री पे आएंगे, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे। तो बायो का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम वन इज द इनकरेक्टली मैच्ड विद कॉलम टू। आंसर हमारा सी है, कॉलम वन सेल वाला ऑफ ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, कॉलम टू कंपोजिशन जो होता है वो सेलुलोज प्लस ग्लैक्टन्स जो होते हैं वो हमारा इनकरेक्ट है। बाकी जो सही है सारे ऑप्शन वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का जो कंपोजिशन होता है सेल वॉल का वो होता है, बैक्टीरिया का देखते हैं तो होता है पेप्टिडोग्लाइकन्स एन एसिटाइल यूरेमिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। फंजाई का होता है काइटिन, ऑल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। प्लांट्स का सेल वॉल कंपोजिशन हुआ है सेलुलोज प्लस हेमोसेलुलोज प्लस पेक्टिन्स प्लस प्रोटीन्स। और एल्गी का है सेलुलोज प्लस गैलेक्टेंस प्लस मैनेंस प्लस मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। आधे क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, केमोसेंसिटिव एरियाज आर सिचुएटेड क्लोज टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स एंड आर फाउंड इन सीएनएस, दीज आर मेनली सेंसिटिव टू। आंसर हमारा सी है, CO2 एंड H+ चेंजेज बोथ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। द न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। केमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एज एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन्स। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर व्हिच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाई विच दिस सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पे। यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग द दैट डेपिक्स द हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी देन ओवरी के बाद सी और डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे सी और डी जो है वो बताना है, ए बी सी और डी बताना है। तो यहाँ पर जो ए है वो है GnRH, बी है LH और FSH, सी होगा यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और डी होगा यूट्रस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बोल रहा है ओजेनेसिस अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। GnRH इज सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस व्हिच स्टिमुलेट्स द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट LH एंड FSH। FSH स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ एग ओसाइट विद इन द फॉलिकल टू कम्प्लीट द मियोसिस वन टू फॉर्म सेकेंडरी ओसाइट। FSH ऑल्सो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजेंस। LH स्टिमुलेट्स द कॉर्पस ल्यूटियम टू सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय LH, बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन देन एक्ट ऑन यूट्रस। ओके, आधा क्वेश्चन ऑफ फोर पे कह रहा है द नेट रिक्वायरमेंट ऑफ एसिमिलेटरी पावर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिक्स हेक्सोज मॉलिक्यूल्स इन मेज प्लांट इज। आंसर हमारा डी होगा, 180 ATP और 72 NADPH। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बोल रहा है सी फॉर प्लांट्स एग्जांपल मेज रिक्वायर 30 ATP एंड 12 NADPH फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन हेक्सोज मॉलिक्यूल। देयर फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिक्स हेक्सोज मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्स 180 ATP एंड 72 NADPH। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पे, कह रहा है ट्रांसपीरेशन पूल इज वेल डेवलप्ड इन वेसल्स, दिस इज बिकॉज वाटर प्रजेज। आंसर होगा बी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई कैपिलरिटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बोल रहा है ट्रांसपीरेशन पूल प्ले अ मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपीरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फर्स्ट है कोहेजन, सेकेंड एडहेजन और थर्ड है सरफेस टेंशन, जो NCERT में सारे दिए हुए हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव डिजीज कॉज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ क्रोमोजोम नंबर 11। आंसर हमारा बी होगा, बीटा थैलासेमिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं,
यहाँ पे कह रहा है थैलेसेमिया इज ऑल्सो एन ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग एंड बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर्स फॉर द जीन और हेटरोजाइगस द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स दैट मेक अप हीमोग्लोबिन। ये जो है सारा जो है एनसीईआरटी का लाइन है। लास्ट में यहाँ देख लेते हैं, बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाई सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोजोम 11 ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ जीन्स। और जो अल्फा जो थैलेसीमिया होता है क्रोमोजोम नंबर से 16 पे होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। और ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर चुका है, किस टेस्ट में रिपीट किया है कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ जो आंसर है वो ए होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा हमारा वन होगा मतलब माइक्रोप्लाज्म, उससे उसके बाद होगा फोर मतलब कि बैक्टीरिया, देन थर्ड जो है वो है हमारा ह्यूमन आरबीसी, देन सेकंड सबसे बड़ा होगा ऑस्ट्रिच एग। और यहाँ पे सारे इसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए साइज के अनुसार, माइक्रोप्लाज्मा है द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ व्हाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्शन। एग्जाम आंसर हमारा होगा डी रिक्सिया। द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलाबोरेट देन इन लीवर वॉर्ट्स। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्मड आफ्टर मियोसिस। द मोसिस हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोसिस आर फ्यूनेरिया, पॉलिट्राइकम एंड स्फैग्नम। रिक्सिया इज अ मेंबर ऑफ लीवर वॉर्ट्स। आते नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड ओर्टा। आंसर हमारा डी होगा थाइमस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, करा द थाइमस ग्लैंड इज ए स्मॉल ऑर्गन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन बोथ इन इम्यून सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। दाउ द थाइमस बिगिंस टू एट्रोपी डिके ड्यूरिंग प्यूबर्टी, इट्स इफेक्ट इन ट्रेनिंग टी लिम्फोसाइट टू फाइट इन्फेक्शंस एंड इवन कैंसर लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। तो आंसर हमारा बी होगा, राइबोज 1,5-बाईफॉस्फेट RBP जो होता है वो 5 कार्बन एल्डोज शुगर होता है, ये हमारा गलत है। यहाँ पर जो राइबोज 1,5-बाईफॉस्फेट RBP जो होता है 5 कार्बन का कीटोज शुगर होता है, बाकी जो ए सी और डी जो है वो सही है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल जो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होते हैं, क्रेंज एंटोमी इन लीव्स होते हैं सी4 प्लांट्स में, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन ग्रेना में होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। आंसर हमारा डी होगा, ऑल द एबव मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं ऑक्सीजन के बाइंडिंग में हीमोग्लोबिन के साथ। राइज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन कॉजेज शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स राइट। द राइट शिफ्ट इज ऑल्सो नोटिस्ड व्हेन ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इज लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे, कह रहा है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फ्लावरिंग डिपेंड्स अपॉन लो टेम्परेचर, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड। आंसर हमारा बी होगा, वर्नलाइजेशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वर्नलाइजेशन प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड प्रोवाइड सफिशियंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। और एक जो क्या बोलते हैं इसका वर्नलाइजेशन और फोटोपीरियोडिज्म का अलग से वीडियो सेपरेट हमारे चैनल पे बनाया हुआ है, वहाँ जाकर आप डिटेल्स देख सकते हैं, अच्छी वीडियो है वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर हमारा डी होगा, ऑल द एबव या मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड एट द स्टेज वेयर ड्रग्स और डायलिसिस डू नॉट प्रोवाइड एनी रिलीफ। बी है क्लोज रिलेटिव आर ऑफन कंसिडर्ड एज किडनी डोनर्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रिजेक्शन। और साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है यूज होता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट में किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान। तो ये सारा थियोरेटिकल क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड। आंसर
आंसर हमारा डी है, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है हमारा वो डक्टल ग्लास नहीं होता, होता है क्योंकि ये एग्जोक्राइन ग्लैंड है, बाकी सारे इंडोक्राइन ग्लैंड है। एग्जोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्ट्स, डक्ट ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स दैट सिक्रीट सब्सटेंसेज ऑन टू एन एपिथेलियल सरफेस थ्रू अ डक्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड स्वेट, सलाइवरी मेमरी, सीरोमिनस, लैक्राइमल, सीबेसियस, प्रोस्टेट एंड म्यूकस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडोस्पर्म टाइप। यहाँ पे इंडोस्पर्म के टाइप के बारे में पूछा है और ये जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए जो है वो हेलोबियल है, बी जो है वो फ्री न्यूक्लियर है और सी जो है सेलुलर है। ये जो क्वेश्चन है आपको, इसका थ्योरी आपको एलन के मॉड्यूल और आकाश के नोट्स में मिल जाएंगे। ए है हेलोबियल, बी है फ्री न्यूक्लियर और सी है सेलुलर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ इंडोस्पर्म टाइप इज द डायग्राम इज हेलोबियल, फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर। हेलोबियल इंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज माइक्रोपाइल एंड स्मॉल चलाजल चैम्बर बाय द माइटोटिक डिवीजन इन द प्राइमरी इंडोस्पर्म मदर सेल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 15-16 पे। कर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आंसर हमारा सी होगा, ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स चेंज इन टू द ग्राफियन फॉलिकल व्हिच इज ट्रांसफॉर्म्ड इन टू कॉर्पस ल्यूटियम पोस्ट ओव्यूलेशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलीफरेशन। ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज वेयर द ग्राफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इन टू कॉर्पस ल्यूटियम। रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड एलएच सर्ज इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाई द रिलीज ऑफ द ओवम। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंडोमेट्रियम। आते क्वेश्चन नंबर 17 पे। कर गिवन बिलो चार स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है रिगार्डिंग ह्यूमन सर्वोडो सिस्टम पे और कह रहा है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर हमारा है बी, 1, 2 और 3 सही है, तीनों सही है, मतलब कि 1, 2, 4 दिया लेकिन यहाँ पे 1, 2 और 3 ऑप्शन में, यहाँ तो स्टेटमेंट तीन ही दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोग्लिसराइन आरिज। सेकेंड कह रहा है वेंस हैव थिनर वाल्स एंड ए ब्रोडर लुमेन देन आर्टरीज। थर्ड कह रहा है आर्टिफिशियल पेसमेकर्स आर यूज इन एरिदमिया। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे गायब है, शायद हो सकता है करेक्शन होगा, एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, शायद उसे मिल जाए। तो कह रहा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोग्लिसरीन आर रिकमेंडेड एंड दे आर प्रूव्ड टू बी वेरी इफेक्टिव। वेंस हैव अ थिनर वाल एंड लार्जर ल्यूमेन व्हाइल्ड आर्टरीज हैव थिकर वॉल्स एंड अ स्मॉलर ल्यूमेन। पेस मेकर इज अ स्मॉल आर्टिफिशियल डिवाइस प्लेस्ड इन द चेस्ट और एबडोमेन फॉर कंट्रोलिंग एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। दिस डिवाइस इज यूज टू ट्रीट एरिथमियाज एंड यूजेज इलेक्ट्रिकल पल्सेस टू प्रॉम्प्ट द हार्ट टू बीट एट अ नॉर्मल रेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। कर अ नंबर ऑफ वेरी थीन इरेगुलर वाल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज। आंसर हमारा बी होगा, एल्विओलाई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है ईच लंग परफॉर्मिंग गैसेस एक्सचेंज कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बैलून लाइक यूनिट कॉल्ड कॉल्ड एन एल्विओलस। द एल्विओलस इज लाइंड बाई सिंपल स्क्वामस एपिथिलियम। देर आर अराउंड 480 मिलियंस ऑफ वेरी थीन इरेगुलर वाल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्विओलाई इन द ह्यूमन लंग्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। कर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके बारे में बताना है। तो आंसर हमारा जो है वो बी होगा, टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय देम मे इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिश। ये देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। ये जो फिगर है वो गोनाइलक्स का फिगर है। ओके तो एनसीआरटी डायग्राम है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। दीज ऑर्गेनिम्स आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपियर येल्लो ग्रीन ब्राउन ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन दियर सेल्स। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सर्फेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन
द वॉल प्लेट्स वेरी ऑफन रेड डायनाफ्लाजेलेट्स एग्जाम्पल गुनाइल्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड रेड टाइड्स टॉक्सिन्स रिड्यूस्ड बाई सच लार्ज नंबर्स में इवन कील अदर एनिमल्स सच एज फिशेज। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे, यहाँ फिल द ब्लैंक्स है। तो कह रहा है द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व स्पीसीज ऑफ, आंसर हमारा बी होगा पैरामीशियम, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, कह रहा है द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू प्रूव कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन्वॉल्व द यूज ऑफ टू पैरामीशियम स्पीसीज। इट शोड दैट द सुपीरियर स्पीसीज टेंड्स टू एलिमिनेट द इन्फीरियर वन। दिस प्रूव्ड टू स्पीसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट टूगेदर इन एनवायरमेंट विथ अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। आता क्वेश्चन नंबर 21 पे, करा जॉलेस फिशेज प्रोबेबली इवॉल्व, आंसर ए होगा बिफोर द सीवीड्स। एक्सप्लेनेशन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इज, सबसे पहले वो प्रिमिटिव एटमोसफेयर ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, जॉलेस फिशेज 350 मिलियन ईयर्स एगो, सीवीड्स 320 मिलियन ईयर्स एगो, एंड देन केम रेप्टाइल्स। आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे, कर रहा है इन बेसिडियोमाइसिटीज म्यूसिस विल टेक्स प्लेस इन, आंसर हमारा डी होगा बेसिडियम। बेसिडियम इज अ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर कैलोगेमी एंड म्यूसिस बोथ विल अकर इन बेसिडियम एंड फोर बेसिडियोस्पोर्स विल फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है, किस टेस्ट में एनडीए मॉक टेस्ट में रिपीट किया, अगर आपने सॉल्व किया है तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। तो बोल रहा है द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वंस कैटेगराइज्ड एज, आंसर हमारा डी होगा हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एक्सप्लेनेशन है अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइसेरियल बैक्टीरिया नोन एज एक्टिनोमाइसिटीज एंड मोस्ट ऑफ द एक्टिनोमाइसिटीज आर सैप्रोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड आर ऑल्सो हेटरोट्रॉफिक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे, कह रहा है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सी टू कंजर्वेशन, आंसर बी होगा नेशनल पार्क। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है इन सीटू कंजर्वेशन द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स इज कंसिडर्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। कंजर्विंग द एरियाज वेयर पॉपुलेशंस ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट नेचुरली इज एन अंडरलाइंग कंडीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द नेशनल पार्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन। आते क्वेश्चन नंबर 24 पे, करा सेलेक्ट द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, आंसर हमारा डी होगा इनुलिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन है स्टार्च सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन आर द पॉलीसेकेराइड्स विथ ग्लूकोज एज देयर मोनोमेरिक यूनिट। इनुलिन इज अ पॉलीसेकेराइड मेथड मेड ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ फ्रक्टोज। आता क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पॉलिनेशन बेसिकली रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन इज ऑफ मेनी टाइप्स द टाइप ऑफ पॉलिनेशन डिपेंड्स ऑन, आंसर हमारा सी होगा सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जो पोलिनेशन और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट है ओटोगैमी, इट रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेकेंड है जीटोनोगैमी, इट रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इट इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्विंग पोलिनेटिंग एजेंट एंड जेनेटिकली ऑटोगैमी। थर्ड है जीनोगैमी, इट रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 27 है द वेरिएशन ऑफ इन पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिसर पाइन ऑफ रॉल्फिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आंसर हमारा ए होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक्सप्लेनेशन है जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स एज वेल एज क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीसीज एंड द वेरिएशंस इन द जीन्स एंड देयर एलील्स इन द सेम स्पीसीज। हेंस द वेरिएशन इन पोटेंसी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिसर पाइन ऑफ रॉल्फिया इज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। द प्रोडक्शन ऑफ रिसर पाइन इज जेनेटिकली रेगुलेटेड एंड विद वेरिएशन इन एलील्स डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ रिसर पाइन विल बी प्रोड्यूस्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-8 पे, कह रहा है द फर्स्ट एमिनो एसिड इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज प्लेस्ड इन, आंसर हमारा बी होगा लेफ्ट लेफ्ट एंड में प्लेस करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है
इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन द लेफ्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड द राइट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट एमिनो एसिड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो। आंसर हमारा बी होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस 1 और जो कोटिलेडोन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, डाइकोट एम्ब्रियोज पजेजेज 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडोन्स, मोनोकोट एम्ब्रियोज पजेजेज ओनली 1 कोटिलेडोन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे, करा फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगियस ऑफ प्लांट्स पोटैटो जिंजर एगेव ब्रायोफाइलम एंड वाटर हाइसिंथ के बारे में बताना है। तो यहाँ पोटैटो का आई हो जाएगा, राइजोम जो होगा जिंजर का, बल्बिल होगा एगेव का, लीफ बर्ड होगा ब्रायोफाइलम का और ऑफसेट होगा वाटर हाइसिंथ का। डायरेक्ट एनसीईआरटी के डायग्राम का फोटो से लिया हुआ क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 31 पे, कह रहा है रीड द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है कार्निवोरा इज ए एंड फर्स्ट दैट इन्वॉल्व्स, सेकेंड है एंड कैनिडी, बी कह रहा है पेटूनिया एंड थर्ड का बिलोंग्स टू द फैमिली। तो यहाँ जो वन है वो हमारा ऑर्डर है, यानी कार्निवोरा इज एन ऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स फेलिडी एंड कैनिडी, और बी जो है वो है पेटूनिया एंड धतुरा बिलोंग्स टू द फैमिली सोलनेशी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, करा है ऑर्डर जो होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज होते हैं, कार्निवोरा इन्वॉल्व्स फेलिडी एंड कैनिडी, पॉलीमोनियल्स के इंक्लूड कॉनवोल्यूशी एंड सोलनेशी, फैमिली जो है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा यानी कि फेलिडी जो होता है इन्वॉल्व्स फेलिस एंड पैंथेरा दैट इज ऑल कैट्स, कैनिडी जो होगा वो इन्वॉल्व्स कैनिस अर्शस इटीसी और सोलनेशी इन्वॉल्व सोलेनम पेटूनिया एंड धतुरा। ये हमारा एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। आता क्वेश्चन नंबर 32 पे, कह रहा है हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन ऑल्दो बोथ ऑफ दियर फादर्स आर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड व्हिच इज इनहेरिटेड एज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर फर्स्ट चाइल्ड विल बी। आंसर हमारा ये फर्स्ट जो है नॉर्मल सन के बारे में पूछ रहा है, सेकंड का पूछ रहा है कैरियर डॉटर के बारे में, थर्ड है कलर ब्लाइंड सन के बारे में, फोर्थ है कलर ब्लाइंड डॉटर के बारे में। तो आंसर हमारा बी होगा, जो फर्स्ट होगा नॉर्मल सन 1/4 होंगे, कैरियर डॉटर भी 1/4 होंगे और जो कलर ब्लाइंड सन होगा 1/4 और फोर जो है कलर ब्लाइंड डॉटर 0/4 होंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले। एन टी ए मॉक टेस्ट में इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, मदर इज अ कैरियर बिकॉज ऑफ हर फादर इज कलर ब्लाइंड एंड फादर इज नॉर्मल, हेंस देयर जीनोटाइप्स इज एक्स एक्स एंड एक्स वाई रिस्पेक्टिवली, दस द प्रोबेबिलिटी दैट देयर फर्स्ट चाइल्ड विल बी नॉर्मल सन इज 1/4, कैरियर डॉटर इज 1/4, कलर ब्लाइंड सन इज 1/4 एंड कलर ब्लाइंड डॉटर इज 0, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन, दाउ देयर फादर्स वेयर कलर ब्लाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड इज 0%, द चांसेस ऑफ अ डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड अराइज ओनली वेन द फादर इज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। और ये जो क्वेश्चन है इस तरह से बना सकते हैं, सारे यहाँ पे रेशियो पता चल जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे, ओके 33 कह रहा है सुपेरियर ओवरी इज प्रेजेंट इन, आंसर हमारा बी होगा, मस्टर्ड का एक्सप्लेनेशन है, सुपेरियर ओवरी मीन्स ऑल अदर पार्ट्स डेवलप बिलो द ओवरी, सच केसेस आर ऑब्जर्व इन प्लांट्स लाइक मस्टर्ड चाइना रोज एंड ब्रिंजल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे, कह रहा है अ कंडीशन वेयर द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए एग्जार्क। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इन एग्जार्क द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम अकर्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रोगैम्बियम दैट इज द डेवलपमेंट इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, द प्रोटोजाइलम इज फाउंड आउटसाइड ऑफ द मेटाजाइलम सेंट्रिपिटल पैटर्न इट इज फाउंड इन रूट्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे, कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है बी है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल फंगल पैथोजेंस।
ये हमारा इंटरेक्ट है। बाकी जो ए बी और डी जो है वो सही है, देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। ड्रैगन फ्लाईज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज, बिल्कुल सही है। द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स, बिल्कुल सही। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस इज एक्सलेंट कैंडिडेट फॉर नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, ये भी बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल बींग डेवलप्ड फॉर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इको सिस्टम्स, दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। और जो यहाँ पे हमारा बी में जो है वहाँ लिखा हुआ है सेवरल फंगल पैथोजन, जो गलत है, प्लांट पैथोजेंस होने चाहिए। ओके, इस टाइप का भी क्वेश्चन पहले पूछ चुका है इंडिया मॉक टेस्ट में, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 36 पे, कह रहा है द क्लस्टर ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग मिल्क इज प्रेजेंट इन द, आंसर हमारा ये होगा मेमरी लोब्स में, ठीक है। द मेमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क व्हिच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमेंस ऑफ द एल्वियोलाई। द एल्वियोलाई ओपन इंटू मेमरी ट्यूब्स, द ट्यूब्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमरी डक्ट। सेवरल मेमरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमरी एम्पुला व्हिच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू व्हिच मिल्क इज सक्ड आउट। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे, कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन हैज द एबिलिटी टू मेक अ पॉपुलेशन लुक डिफरेंट व्हेन इट इज कपल्ड विथ, आंसर हमारा सी होगा रिप्रोडक्टिव सक्सेस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स ओनली बाय डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, डिफरेंशियल मोर्टेलिटी कैन बी सिलेक्टिव बट ओनली टू द डिग्री दैट इट क्रिएट्स डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स इन द नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोजेनी दे प्रोड्यूस। आते कुछ हम 38 पे, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे ब्लैंक को फिल करके बाद देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ जेड द स्लोप ऑफ द लाइन रिग्रेशन कोफिशियंट इज 1.15 फॉर मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट्स। और बाकी जो किस किसका है वो भी देख लेते हैं, 0.6 किसका है, 0.8 किसका है और 1.21 किसका है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेनेशन में कि अलेक्जेंडर वॉन वॉल्ट डिराइव द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एंड ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। द रिलेशनशिप इज ए स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, वेयर एस इक्वल टू स्पीसीज रिचनेस, ए इक्वल टू एरिया, जेड स्लोप ऑफ लाइन रिग्रेशन कोफिशिएंट, सी इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। द वैल्यू ऑफ जेड लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 रेगुलेट्स द टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द रीजन। इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स अमंग वेरी लार्ज एरियाज लाइक द इंटायर कंटिनेंट्स द स्लोप ऑफ द लाइन विल बी मच स्टीपर। जेड वैल्यूज इन द रेंज ऑफ 0.6 to 1.2 फॉर फ्रुगिवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कंटिनेंट्स द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है तो यहाँ फिल करके रीड कर लेते हैं। इन मेनी केसेज द क्रोमोजोम डू नो डू अंडर गो सम डिस्पर्शन, दे डू नॉट रीच एन एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विथ, आंसर हमारा डी हुआ टेलोफेज फर्स्ट। एक्सप्लेनेशन है इन टेलोफेज फर्स्ट क्रोमेटिन फॉर्मेशन विल नॉट अकर एंड मेनी टाइम्स द सेल डायरेक्टली इंटर्स द म्यूसिस सेकेंड और प्रोफेज सेकेंड। आते कुछ हम 40 पे, कहा ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू, आंसर हमारा सी होगा डी जनरेटिंग सिनर्जीड। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है आफ्टर एंटरिंग द ओव्यूल द पोलन ट्यूब इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, द पोलन ट्यूब पियर्सेस वन ऑफ द टू सिनर्जिड्स एंड बर्स्ट ओपन इन टू इट, द सिनर्जिड इज साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉयड। आते क्वेश्चन नंबर 41 पे, कह रहा है द हॉर्मोन्स विच इंक्रीज अलर्टनेस पिपुलरी डायलेशन पाइलो इरेक्शन एंड स्वेटिंग आर, आंसर हमारा बी होगा स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। एक्सप्लेनेशन है एड्रेनलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम कैटेकोलामाइंस विच आर एमिनो एसिड डेरिवेटिव, दे आर सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस।
क्वेश्चन 42 है, कंसिडर द रिएक्शंस एंड अरेंज द करेक्ट सिक्वेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलिसिस। आंसर हमारा बी होगा। सबसे पहले फर्स्ट मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट होता है ग्लाइकोलिसिस में। उसके बाद थर्ड होगा मतलब क्लीवेज टू फॉर्म ट्राइबोज 3-फॉस्फेट। उसके बाद सेकेंड होगा डीहाइड्रोजिनेशन। उसके बाद होगा 5 थर्ड के हो जाए बाद सेकंड डिहाइड्रोजन 5 होगा मतलब कि डिहाइड्रेशन देन होगा 4 यानी सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके तो इसमें ज़्यादा खास कुछ है नहीं एक्सप्लेनेशन में, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अराइजेज इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज आफ्टर द फर्स्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो आंसर हमारा होगा डी बोथ ए एंड बी यानी कि आर एच इनकम्पेटेबिलिटीज डिजीज और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्लासिकली रिजल्ट्स फ्रॉम आर एच इनकम्पेबिलिटी विच मे डेवलप वेन अ वोमेन विथ आर एच निगेटिव ब्लड इज इम्प्रेगनेटेड बाई अ मैन विथ आर एच पॉजिटिव ब्लड एंड कंसीव्स अ फिटस विथ आर एच पॉजिटिव ब्लड समटाइम्स रिजल्टिंग इन हेमोलाइसिस अ मदर हु इज आर एच निगेटिव मे डेवलप एंटीबॉडीज टू एंड आर एच पॉजिटिव बेबी इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेबीज ब्लड मिक्सिस विज द मदर्स ब्लड विच ऑफन हैपन्स इन सच सिचुएशंस द मदर्स बॉडी मे रिस्पॉन्ड एज इट इज एलर्जिक टू द बॉडी द मदर्स बॉडी मे मेक एंटीबॉडीज टू द आर एच एंटीजन इन द बेबीज ब्लड। दिस मीन्स द मदर हैज बिकम सेंसिटाइज एंड हर एंटीबॉडीज मे क्रॉस द प्लासेंटा एंड अटैक द बेबीज ब्लड। सच एन अटैक ब्रेक्स डाउन द फिटस रेड ब्लड सेल्स क्रिएटिंग एनीमिया अ लोअर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ हीमोलाइटिक डिज और हीमोलाइटिक एनीमिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे। कह रहा है अ कलर ब्लाइंड पर्सन मैरिज अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड देन व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड। आंसर हमारा सी होगा 50%। यहाँ पे हम चार्ट से देख सकते हैं कि ओवरऑल जो 50% ऑफ मेल आर अफेक्टेड हैं कलर ब्लाइंडनेस इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। ओके कलर ब्लाइंड मैन के जो जीनोटाइप एक्स सी वाई हैं और कैरियर वोमेन के एक्स एक्स सी हैं। यहाँ पे दोनों को सेग्रीगेट करके अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है पैटर्न बाल्डनेस मोस्टैक्स एंड बियर्ड इन ह्यूमन मेल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। एंसर होगा सी सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स सच एज कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया आर दोज विच शो अ क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जीन्स टुगेदर अलोंग विथ सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स बिकॉज ऑफ दियर प्रेजेंस ऑन द सेक्स क्रोमोजोम्स। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स एक्सप्रेस दियर इफेक्ट्स ओनली इन वन सेक्स एंड नॉट द अदर। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स अपीयर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्स हॉर्मोन। तो टोटल हमारे 90 में से 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और 45 क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा उसका टाइटल जरूर आप कमेंट करें। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स अ रिज इज फॉर्म्ड अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। आंसर हमारा ये होगा मार्जिनल प्लासेंटेशन। एक्सप्लेनेशन है इन मार्जिनल प्लासेंटेशन द प्लासेंटा फॉर्म्स द रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द रिज फॉर्मिंग टू रोज एज इन पी। और जो प्लासेंटेशन के जो है ट्रिक मैंने सारे एग्जाम्पल बना रखे हैं अपने चैनल पे। आप प्लासेंटेशन लिखकर प्लासेंटा ट्रिक्स और एनसीईआरटी वाला जो लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है रीड द फॉल्स सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। सो फॉल्स स्टेटमेंट बताना है जो हमारा बी जो ऑप्शन है वो फॉल्स है मतलब कि प्रोकैरियोट स्पीशीज आर मोर इन नंबर इन कंपेरिजन टू एनिमल स्पीशीज। ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके और जो सही स्टेटमेंट वही देख लेते हैं। ये कह रहा है प्लांट स्पीशीज आर लेस देन एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ। बिल्कुल सही। मोर देन 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया। बिल्कुल सही है। और इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके यहाँ पे सारे डेटा है। सम इंटरेस्टिंग स्पीसीज इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ बायोडायवर्सिटी आर एनिमल स्पीसीज है मोर देन 70% है। प्लांट स्पीसीज इंक्लूडिंग एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स है मोर देन 22% है। और जो थ्री है वो है अदर स्पीसीज विच इंक्लूड प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्टन स्पीसीज होते हैं लेस देन 8%।
आता है क्वेश्चन नंबर 80 पे, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। कह रहा है इन एन इंडिविजुअल, इफ एन इंडिविजुअल वांट्स टू व्यू डायकाइनेसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सुटेबल। ओके, तो आंसर हमारा होगा ए, करेक्ट आंसर ए होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है फ्लावर बर्ड्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म मियोसिस, ऑनियन फ्लावर बर्ड्स आर कॉमनली यूज टू ऑब्जर्व ऑल द फेजेज ऑफ मियोसिस, विच एसिटोकार्बिन और एस्टो और सीन स्टेनिंग मेथड। ओके, तो हमारा ए आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स एट द, आंसर हमारा ये होगा, एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल। एक्सप्लेनेशन है इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ अकर्स इन साइटोप्लाज्म, हेंस इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट इज द कंट्रोलिंग साइट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे। कह रहा है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स कैरी बोथ सेक्स हॉर्मोन्स 22A+XY एंड सम स्पर्म्स डू नॉट कैरी एनी सेक्स क्रोमोसोम्स 22A+O। इफ दीज स्पर्म्स फर्टिलाइज नॉर्मल एग 22A+X, व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर अपीयर अमंग द ऑफस्प्रिंग, आंसर हमारा ये होगा टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। कर टर्नर सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द मोनोजोमी दैट इज 2n-1, इट इज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ एन एबनॉर्मल ओ एग एंड नॉर्मल एक्स स्पर्म और नॉर्मल एग एंड एबनॉर्मल ओ स्पर्म, द इंडिविजुअल हैव 2n इक्वल टू 45 क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स इंस्टेड ऑफ 46, सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल फीमेल्स हु हैव रूडिमेंट्री ओवरीज अंड अनडेवलप्ड वेस्टिस ब्रेस्ट स्मॉल यूट्रस पफी फिंगर शॉर्ट स्टैचर लेस देन 5 फीट वेव्ड नेक एबनॉर्मल इंटेलिजेंस कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज एंड हियरिंग इंपेयरमेंट। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का राइट इज डी टू द ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स, इट इज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ एबनॉर्मल एक्स एक्स एग एंड नॉर्मल वाई स्पर्म ऑफ नॉर्मल एक्स एग एंड एबनॉर्मल एक्स वाई स्पर्म, द इंडिविजुअल हैज 47 क्रोमोजोम्स 44 प्लस एक्स एक्स वाई, सच पर्सन आर स्टराइल मेल्स कॉल्ड फेमिनाइज्ड मेल विथ अनडेवलप्ड टेस्टिस मेंटल रिटार्डेशन फीमेल लाइक स्पार्स बॉडी हेयर एंड नॉक नीज लॉन्ग लिम्स डिप्स निम्स एंड विथ सम फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फेमिनिन पिच्ड वॉइस एंड इनलार्ज ब्रेस्ट गायनेकोमेस्टिया। आते हैं क्वेश्चन 51 पे। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्ड वे ब्रीड्स इज यूज्ड इन पोल्ट्री फार्मिंग, आंसर हमारा होगा बी लेग हॉर्न। लेग हॉर्न इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ हेन्स यूज इन पोल्ट्री फार्मिंग, जर्सी इज एन इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ cow, while his hearted is a sheep hybrid, mule is a hybrid between donkey and horse। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे। कर हाउ डज इंटरस्टिशियल फ्लूड और टिश्यू फ्लूड फॉर्म, ऐसा हमारा ये होगा बाय द लीकेज ऑफ फ्लूड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। एक्सप्लेनेशन हमारा है एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज सम वाटर अलॉन्ग विथ मेनी स्मॉल वाटर सोलबल सब्सटेंसेज मूव आउट इन टू द स्पेसेज बिटवीन द एग बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज लिविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड ऑलमोस्ट द ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स, दिस फ्लूड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूड और टिश्यू फ्लूड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ऐसा हमारा डी होगा बायोप्सी। बायोप्सी इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू सो दैट इट कैन बी एग्जामिन्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पे। कर रहा है इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटू थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ बैक्टीरिया आर्की एंड यूकेरिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट आर्की बैक्टीरिया, आंसर हमारा होगा बी आर्की हैव सम नोवेल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ डोमेन ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स कंटेनिंग द
आर्किबैक्टीरिया इंक्लूड्स द मेथेनोजेंस विच प्रोड्यूस मीथेन, द थर्मोएसिडोफिलिक बैक्टीरिया विच लिव इन एन एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट, एंड द हेलोफिलिक बैक्टीरिया विच कैन ओनली फंक्शन एट हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन एंड आर एबंडेंट इन द ओशियंस। आते नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पे, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ फिल करके हम रीड कर लेते हैं। कह रहा, पॉलन मदर सेल अ टाइप ऑफ सेल इन स्पोरोजिनस मास अंडर गो मियोसिस अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म अ टेट्राइड ऑन सेपरेशन गिव्स राइज टू फोर नंबर फंक्शनल में माइक्रोस्पोर्स। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और क्या कह रहा है, इच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राइड, इच वन इच पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल पीएमसी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ फोर सेल्स द माइक्रोस्पोर टेट्राइड एज द एंथर एंथस मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इंटू पॉलन ग्रेन्स। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे, कह रहा है चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर हमारा होगा डी, सेकेंड ट्राइमेस्टर फीटस इज रेडी फॉर डिलीवरी। ओके, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मैच है। तो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि पाचुरेशन और द एक्सप्लेनेशन ऑफ फीटस टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर नॉट सेकेंड ट्राइमेस्टर। जो सही स्टेटमेंट वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीटस डेवलप लिंब एंड डिजिट्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर्स। सी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, और आंसर हमारा डी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे, कह रहा है द अमाउंट ऑफ यूरिया विच इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द यूरिन आउट इन द यूरिन पर डे ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज, आंसर हमारा ये होगा 25 to 30 grams डेली। यानी कि, और एक जो क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा टेस्ट में आते रहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स हैव इवॉल्व्ड अदर मैकेनिज्म टू एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्टेस। द एनिमल्स मस्ट डिटॉक्सिफाई अमोनिया बाई कन्वर्टिंग इट इंटू अ रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक फॉर्म सच एज यूरिया और यूरिक एसिड। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस प्रोड्यूस यूरिया, वेयर एज रिप्टाइल्स एंड मेनी टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स प्रोड्यूस यूरिक एसिड। एनिमल्स दैट सीक्रेट यूरिया एज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एवरेज 1 to 1.5 liters ऑफ यूरिन पर डे विथ 25 to 30 grams ऑफ यूरिया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देखते हैं। कह रहा है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आंसर हमारा होगा सी, सी एफ सी आर ब्रोकन डाउन इंटू क्लोरीन एटम्स बाई यूवी रेज इन द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल अपवर्ड्स टू द स्ट्रेटोस्फेयर एंड डिग्रेड द ओजोन लेयर। ये जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ऑफ लेट द बैलेंस हैज बीन डिस्टर्बेड ड्यू टू इन्हांसमेंट ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन बाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी एफ सी फाइंड वाइड यूज एज रिफ्रिजेंट्स। सी एफ सी इज डिस्चार्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर मूव अपवर्ड्स एंड रीच द स्ट्रेटोस्फेयर। इन द स्ट्रेटोस्फेयर यूवी रेज एक्ट ऑन देम रिलीजिंग क्लोरीन एटम्स। क्लोरीन डिग्रेड्स ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूल ऑक्सीजन विद दीज एटम्स एक्टिंग वेयरली एज कैटलिस्ट। क्लोरीन एटम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन हेंस व्हाट एवर सी एफ सी आर एडेड टू द स्ट्रेटोस्फेयर दे हैव परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग इफेक्ट्स ऑन ओजोन लेवल्स। और जो सही स्टेटमेंट वो भी देख लेते हैं। द बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन हैज बीन अफेक्टेड बाय सी एफ सीज। सी एफ सीज आर कॉमनली यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। और डी है सी एल एटम्स एक्ट एज कैटलिस्ट इन द रिएक्शन देयर फॉर दे डू नॉट गेट कंज्यूम्ड एंड कंटिन्यू टू अफेक्ट द ओजोन लेवल। कदर 59 में क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिकर्सर ऑफ एम आर एन ए इज ट्रांसक्राइब्ड बाई, आंसर हमारा बी होगा, आर एन ए पॉलीमरेज सेकेंड। एक्सप्लेनेशन है द प्रिकर्सर ऑफ एम आर एन ए इज एच एन आर एन ए हेटरोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए। इट कंटेन्स इंट्रॉन्स अलॉन्ग विथ एक्सॉन्स। इट इज ट्रांसक्राइब्ड बाई आर एन ए पॉलीमरेज सेकेंड।
ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग। जो GPP जो हमारा होता है वो NPP प्लस R होता है। इसमें से नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP अमाउंट इज ऑब्टेंड व्हेन एस्पिरेशन अमाउंट रिमूव फ्रॉम GPP। हेंस जो NPP होता है वो GPP माइनस R होता है, इसलिए हमारा GPP जो हो जाएगा वो NPP प्लस R हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 61 पे। कह रहा है जोन ऑफ एक्सक्लूजन सराउंड्स। आंसर हमारा ए होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रियोल। एक्सप्लेनेशन है, कह रहा है द जोन ऑफ एक्सक्लूजन इज एन एरिया वेयर अदर सेल ऑर्गेनेल आर नॉट प्रेजेंट। इट इज प्रेजेंट अराउंड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रियोल्स। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रियोल्स आर डायनेमिक स्ट्रक्चर्स शोइंग मूवमेंट। हेंस राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स स्टोरेज ग्रैन्यूल्स सीटीसी आर टोटली एब्सेंट इन दियर विसिनिटी। आते क्वेश्चन नंबर 62 पे। कह रहा है द फर्न्स कॉनिफर्स नेटल्स नेटल्स एंड गिंको आर ऑल आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ। आंसर हमारा बी होगा, सीलो सीलोफाइटोन्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सीलोफाइटोन इज अ जीनस ऑफ एक्सटिंक्ट वैस्कुलर प्लांट्स डिस्क्राइब्ड इन 1859। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फॉसिल प्लांट्स टू बी फाउंड विच आर वाज ऑफ डिवोनियन एज। प्लांट्स लैक लीव्स और टू रूट्स स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेन्स और स्पोरेंजिया वेयर बॉर्न ऑन द एंड्स ऑफ ब्रांच्ड क्लस्टर्स। देखते क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल इज प्रेजेंट इन। आंसर हमारा होगा डी, प्योर वाटर में जो होता है मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है। वाटर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज वाटर पोटेंशियल रिड्यूसेज, दस द मैक्सिमम पोटेंशियल इज प्रेजेंट इन प्योर वाटर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है द एसिम्प्टोट स्टेज द पॉपुलेशन इज। आंसर है ए, स्टेबलाइज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है एसिम्प्टोट स्टेज इज स्टेज एट विच पॉपुलेशन कैन नॉट इंक्रीज ड्यू टू द लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे। कह रहा है इन ह्यूमंस ब्लड पासिस फ्रॉम द इन्फीरियर वेना कैवा टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ हार्ट ड्यू टू। आंसर हमारा डी होगा, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इन्फीरियर वेना कैवा एंड एट्रियम। एक्सप्लेनेशन है, द एक्शन ऑफ हार्ट इंक्लूड्स कॉन्ट्रेक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। द डायनेमिक्स ऑफ द ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स आर नो एग्जेम्पशन एंड ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स अलोंग अ प्रेशर ग्रेडियंट ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर एरियाज। द मूवमेंट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सक्शन पूल एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इन्फीरियर वेना कैवा एंड राइट एट्रियम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड ज्वाइंट ऑफ द बॉडी। आंसर हमारा आएगा डी, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये हमारा इनकरेक्ट मैच है। बाकी जो बॉल एंड सॉकेट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल सही है। हिंज ज्वाइंट नी में होते हैं, पैवियर ज्वाइंट होता है एटलस एंड एक्सिस पे, और इसका हमने ट्रिक बना रखा है सेपरेट वीडियो पे। आप ज्वाइंट ट्रिक्स लिखकर या ज्वाइंट ट्रिक्स एंसाइटी लिखकर सर्च कर सकते हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट ऑल्सो नोन एज प्लेन ज्वाइंट और प्लानर ज्वाइंट इज अ कॉमन टाइप ऑफ स्नेवल ज्वाइंट फॉर्म बिटवीन बोन्स दैट मीट एट फ्लैट और नियरली फ्लैट आर्टिकुलर सर्फेसेज। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स ऑलो द बोन्स टू ग्लाइड पास्ट वन अनदर इन एनी डायरेक्शन अलोंग द प्लेन ऑफ द ज्वाइंट, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट एंड डायगोनली। एग्जाम्पल टार्सस बोन्स ऑफ द एंकल, जाइगोफाइसिस ऑफ वर्टीब्री एंड रेडियस एंड अल्ना। आते कुछ 67 में। कह रहा है डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इन ईच न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक टू पेंटोज शुगर बाई ए लिंकेज एंड द पेंटोज शुगर इज लिंकेड टू फॉस्फेट बाई बी लिंकेज। आइडेंटिफाई ए एंड बी। आंसर हमारा बी होगा, ए जो होता है वो होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बी है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं, यहाँ पे पहले देख लेते हैं ए और बी को पुट करके। डीएनए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन ईच न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू पेंटोज शुगर बाई एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड द पेंटोज शुगर इज लिंक्ड टू फॉस्फेट बाई फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। हो गया यहाँ पे। यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लेते हैं, कह रहा है नाइट्रोजनस बेस इज लिंकेड टू द
sugar through an N-glycosidic linkage to form a nucleoside such as adenosine or deoxyadenosine. Guanosine or deoxyguanosine, cytidine or deoxycytidine, and iridine or deoxythymidine. When a phosphate group is linked to 5-OH of nucleoside through phosphodiester linkage, a corresponding nucleotides or deoxynucleotide, depending upon the type of sugar present, is formed. Two nucleotides are linked through 3-5 phosphodiester linkage to form a dinucleotide. आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67-8 पे. कह रहा है विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट बिलोंग टू लेबियो रोहू. आंसर हमारा सी होगा एयर ब्लैडर एब्सेंट. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. कह रहा है रोहू इज अ बोनी फिश हैविंग अ स्ट्रीमलाइन बॉडी विथ फोर पेयर्स ऑफ ऑपरकुलेटेड गिल्स टर्मिनल माउथ एंड एयर ब्लैडर. लेबियो रोहिटा इज द साइंटिफिक नेम एंड इज अ स्पीसीज ऑफ फिश ऑफ द कार्प फैमिली. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पे. कह रहा है यहाँ पे जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक को फिल करके हम एक बार रीड कर लेते हैं. यहाँ पे होगा लेग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन द नोड्यूल्स इन द रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट. प्लांट्स इट एक्ट्स एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर एंड प्रोवाइड्स एनएरोबिक कंडीशंस फॉर द एक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम. ओके, तो ये हमारा रहा इसका सारा ये फिल इन द ब्लैंक्स. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एंजाइम नाइट्रोजिनेज इट इज अ मोलिब्डेनम एफी प्रोटीन. इट रिक्वायर्स एनोरोबिक कंडीशंस टू वर्क. इट इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. इट कैटलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया. अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. N2+8+8H+16ATP गिव्स 2NH3+H2+16ADP+16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. और यहाँ पे ये पूछता भी है कि कितने एटीपी खर्च होते हैं, तो यहाँ पे 16 एटीपी खर्च होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे. करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिसिटी कैन बी सीन ड्यू टू चेंजिंग इन्वायरमेंट. आंसर हमारा सी है बटर कप. और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं एनटीए अभ्यास में, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म different kinds of structures. This ability is called plasticity. Example, heterophyll in cotton, coriander and larkspur. In such plants, the leaves of the juvenile plant are different in shape from those in mature plants. On the other hand, differences in shapes of leaves produced in air and those produced in water in buttercup also represent the heterophyllous development due to the environment. This phenomenon of heterophyly इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी. आते क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है सेलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो आंसर हमारा हो जाएगा सी इट इज नॉट लिविंग. ये जो हमारा गलत है, बाकी इट इज सेलेक्टिव परमिएबल, इट इज इलास्टिक नेचर और इट इज क्वासी फ्लूइड नेचर सही है. सी जो होगा वो रॉन्ग होगा. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिविंग थिन डेलिकेट एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लिविंग सेल. द मेम्ब्रेन इज ट्राइलेमिनर एंड इलास्टिक इन नेचर शोइंग फ्लूडिडिटी. क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है इफ देयर इज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्या होगा. आंसर हमारा ये होगा -18°C. और ये जो क्वेश्चन है पिछले मॉक टेस्ट में आ चुके हैं. अगर आपने हमारे वीडियो देखे हैं या आपने खुद से प्रैक्टिस किया है तो जरूर कमेंट करें कि किस टेस्ट में आया हुआ है. तो इसका एक्सप्लेनेशन है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बेनिफिशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ. If there were no greenhouse effect, the Earth's average surface temperature would be very chilly, -18°C या 0°F instead of 15°C यानी 59°F. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 73 पे. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप. आंसर हमारा बी होगा डायटम्स. इसका एक्सप्लेनेशन है डायटम्स. इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सॉफ्ट बॉक्स. द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल. दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन दियर हैबिटेट. दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रिफर्ड टू एज डायटोमस. अर्थ बीइंग ग्रिटी द सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप.
आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव डिजनरेशन डिजीज। आंसर हमारा डी होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अल्जाइमर डिजीज और सिस्टिक फाइब्रोसिस, तीनों जो है वो हमारे प्रोग्रेसिव डिजनरेशन डिजीज हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है द मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज एमडी आर अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशंस दैट ग्रेजुअली काउज द मसल्स टू वीकन लीडिंग टू एन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिसेबिलिटी। एमडी इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन व्हिच मींस इट गेट वर्स ओवर टाइम। अल्जाइमर्स डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिसऑर्डर दैट काउजेज ब्रेन सेल्स टू वेस्ट अवे डिजनरेट लीडिंग टू डिमेंशिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑल्सो अ हेरिडिटरी प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। थिक एंड स्टिकी म्यूकस इज प्रोड्यूस दैट क्लॉक्स द लंग्स ऑब्स्ट्रक्टिव द पैनक्रियाज। क्वेश्चन 75 कह रहा है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम्बिनेशंस और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। एज आंसर हमारा ये होगा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। एक्सप्लेनेशन है इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन रिफर्स टू मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट कैन बी अंडर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पील रेजिमेंस रिकमेंडेड बाई WHO आर इल्यूप्रिस्टल एसीटेट लेवेनजोस्टॉल और कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव CO सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ इथिनाइल एस्ट्राडियोल प्लस लेवोनोजेस्टेरोल। आते क्वेश्चन नंबर 76 के, कह रहा है द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सट्रेट व्हिच एंटर्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसिकल वॉल विच। आंसर होगा डी, काइम। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन काइम पासिस थ्रू द इलियोसिकल वॉल इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन द पेरिस्टाल्टिक वेव्स मूव द काइम इनटू द असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलोन्स एंड टुगेदर विथ डिहाइड्रेशन कॉम्पैक्शन ऑफ द काइम अकर्स बाई फॉर्मिंग फैसेज। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ क्रेब साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ टू एसिटाइल को एंजाइम को ए मॉलिक्यूल्स। आंसर हमारा ये होगा 6NADH2, 2FADH2 और 2GTP। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है ड्यूरिंग अ ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल को ए थ्रू क्रेब साइकिल इट प्रोड्यूसेस 3NADH2, 1FADH2 एंड 1GTP। दस फॉर टू राउंड्स ऑफ क्रेब साइकिल इट विल प्रोड्यूस 6NADH2, 2FADH2 एंड 2GTP मॉलिक्यूल्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, कह रहा है कैलोट्रोपिस कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। आंसर हमारा बी होगा, यहाँ पे ऑपोजिट फाइलोटैक्सी होते हैं। इसका भी मैंने ट्रिक बना रखा है, फाइलोटैक्सी का जरूर देखें, बहुत अच्छी वीडियो बनी है, वहाँ पे जरूर आप देखें। यहाँ इसका एक ट्रिक भी ये है कि गोरा और काला दोनों जो होते हैं अपोजिट होते हैं, गोरा से हो गया गुआभा और काला से हो गया कैलोट्रोपिस, और ये अपोजिट से हो गया अपोजिट फाइलोटैक्सी, ऐसे याद रख सकते हैं। और बाकी और सारे जो फाइलोटैक्सी हैं उसके भी सेपरेट वीडियो बना रखे हैं ट्रिक्स का। फाइलोटैक्सी ट्रिक्स लेकर नीट एनसीईआरटी वाले पे गूगल पे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इन अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स। आज देखो चलो 79 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द ऑर्गेनिज्म शोन इन द फिगर। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किस टेस्ट में आए हुए हैं, अभ्यास टेस्ट में। यहाँ पे जो नॉट एप्लीकेबल होगा डी होगा, द नोटोकॉर्ड इज सीन ओनली इन द लार्वा स्टेज गलत है। यहाँ पे ए बी सी जो स्टेटमेंट सही है इट बिलोंग्स टू क्लास सेक्लोमास्टोमाटा सही है। इट हैज 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स ये भी सही है। इट्स बॉडी डिवाइड ऑफ गिल्स ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द क्लास साइक्लोस्टोमाटा द बॉडी इज इलोंगेटेड ईल लाइक विथ मीडियन फिन्स एंड कार्टिलेजनस फिन रे द पेयर्ड अपेंडेजेज आर एब्सेंट टेल इज डाई फाइसर्कल स्किन इज सॉफ्ट स्मूथ एंड कंटेनिंग यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड बट नो स्केल्स आर प्रेजेंट नोटोकोर्ड परसिस्ट्स थ्रू आउट लाइफ इन परफेक्ट नेचुरल आर्चेज ओवर नोटोकोर्ड प्रेजेंट रुडिमेंटरी वर्टिब्रेट्स द माउथ इज वेंट्रल सेक्टोरियल एंड सर्कुलर विथ डेंटिकल्स इन लैटरल सैक लाइक पाउचेज ऑफ द फेरिंग्स 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट वाइल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन 1 to 16 पेयर
एयर ब्लड इज एबसेंट एंड दे आर मोस्टली पॉइकिलोथर्मल्स। आते क्वेश्चन नंबर 80 पे कह रहा है द एक्जोन टर्मिनल्स ऑफ नर्व्स कंटेन, आंसर हमारा ए होगा, वेसिकल्स फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कह रहा है द एक्जोन टर्मिनल्स रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम प्रीसाइनेप्टिक नर्व विच बाइंड विद द रिसेप्टर ऑफ द फोटोसिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अक्रॉस अ सिनेप्स। आधा क्वेश्चन 81 पे कर रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंजाइम एक्शन। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए है, सी है सॉरी, कह रहा है लो एस्टोरिक साइड ब्रेक्स द केमिकल बोन्स ऑफ सब्सट्रेट, ये गलत है। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट देख लेते हैं द सब्सट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट इंजाइम, द बाइंडिंग ऑफ सब्सट्रेट इंड्यूसेस द इंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, और डी कह रहा है इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड एट एक्टिव साइट, ये सही है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं एलोस्टेरी मॉडिफाइज एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम फॉर द बाइंडिंग ऑफ सब्सट्रेट, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स बाइंड्स टू एंजाइम अदर देन द एक्टिव साइट एंड इंड्यूस अ कन्फॉर्मेशनल चेंज विद इंक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ अ सब्सट्रेट टू एंजाइम, एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स एक्ट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड प्रिवेंट द सब्सट्रेट बाइंडिंग। अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट 8 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिनाइन ट्यूमर, आंसर हमारा ये होगा जो द सेल्स ग्रो वेरी वेरी रैपिडली, ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकी ए बी और डी जो है सही है। दे डू नॉट ग्रो बैक वंस दे आर रिमूव्ड, दे डू नॉट मेटास्टेटाइज और दे कॉज लिटिल डैमेज, ये सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बिनाइन ट्यूमर्स जनरली हैव अ स्लोवर ग्रोथ रेट देन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड द ट्यूमर सेल्स आर यूजुअली मोर डिफ्रेंशिएटेड। ओके आते कुछ हम 83 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेलुलर मोबाइल कॉलोनी, आंसर हमारा सी होगा वॉलबॉक्स, वॉलबॉक्स इज अ मल्टी सेलुलर मोबाइल ग्रीन एल्गी ईच सेल ऑफ वॉलबॉक्स इज सिमिलर टू क्लेमाइडो मोनास। आते क्वेश्चन 84 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल जंक्शन इज द लीस्ट परमिएबल एंड प्रिवेंट्स लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू, आंसर हमारा ये होगा टाइट जंक्शंस। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है टाइट जंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज जोना ओक्लूडेंस एट सर्टेन प्लेसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर टाइटली पैक्ड और फ्यूज टुगेदर, दीज आर लीस्ट परमिएबल एंड प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। आता क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय माइक्रोब्स इज कॉल्ड, आंसर हमारा सी होगा मिनरलाइजेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है ह्यूमस इज अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, व्हेन इट डिग्रेड्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड दिस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। आते क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है या फिर इन द ब्लैंक्स है तो फिल करके रीड कर लेते हैं द वुड इज एक्चुअली अ सेकेंडरी जाइलम, वुड इज सेकेंडरी जाइलम डेवलप्ड फ्रॉम द लेटर मेरिस्टेम और लेटर कैम्बियम, द ओल्डर जाइलम इज फिल्ड विद टाइलोजेज रेजिन्स टैनिन्स एंड अदर एक्सक्रेटरी प्लांट प्रोडक्ट्स दैट मेक इट हार्ड दस फॉर्मिंग द वुड। क्वेश्चन 87 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एट द पोस्टेरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, आंसर हमारा ये होगा मैकुला ल्यूटिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है द ऑप्टिक नर्व लीव द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स इंटर इट एट ए पॉइंट मेडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टेरियर पोल ऑफ द आई बॉल, फोटोरिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डेथ रीजन एंड हेंस इट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट एट द पोस्टेरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, देयर इज अ एलोइस पिगमेंटेड स्पॉट कॉल्ड मैकुला ल्यूटिया विथ अ सेंट्रल पिट कॉल्ड द फोविया। ओके बाद क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है यहाँ पे फिगर दो डायग्राम है, इन द गिवन डायग्राम ए स्पाइन एंड बी टेंड्रिल आर स्ट्रक्चर्स विच आर मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, देन प्रोबेबल एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट इन विच ए एंड बी कैन बी ऑब्जर्व रिस्पेक्टिवली विल बी, तो हमारा ए जो होगा वो उसमें वैगन विलिया होगा और बी होगा ग्रेप वाइंस। ओके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स के बारे में बताया, फर्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम में मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, एग्जाम्पल है पोटैटो टर्मरिक जिंजर कोलोकेशिया जमीनकंद,
सेकेंड स्टेम में डेवलप इंटू टेंड्रिस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एजरी बर्ड्स फॉर सपोर्ट, एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन्स एंड गॉड्स ककम्बर पम्पकिंस एंड वाटरमेलन्स। थर्ड स्टेम्स में डेवलप वुडी एंड पॉइंटेड थॉर्न्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एजरी बर्ड्स, एग्जाम्पल है बोगनविलिया और सिट्रस। फोर्थ स्टेम्स में डेवलप क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एग्जाम्पल है ओपुंसिया स्टेम एज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, इफोर्बिया स्टेम एज फ्लैसी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ईटीसी। और फिफ्थ जो है स्टेम में भी मे हेल्प इन स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्योर्स हैज बीन बैंड इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड, आंसर सी होगा एमिनोसिंथेसिस। इसका एक्सप्लेनेशन है एमिनोसिंथेसिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर यूज प्राइमरली इन प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज एंड फीटल इन्फेक्शंस एज वेल एज फोरसेक्स डिटर्मिनेशन, बैंड इन इंडिया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। इसका क्वेश्चन बता पूछ रहा है द पिरामिड गिवन बिलो है कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, आंसर हमारा जो है वो होगा बी पिरामिड ऑफ एनर्जी विदाउट एनी एक्सेप्शन। टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ दिया हुआ है ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन करा टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, जनरल अपीयरेंस और एक्सेप्शन क्या क्या है। तो पहला है पिरामिड ऑफ नंबर यूजुअली अपराइट होते हैं। पहला एक्सेप्शन है सिंगल ट्री इकोसिस्टम, सिंगल ट्री मेनी इंसेक्ट्स, लेस नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स और वेरी फ्यू लार्ज बर्ड्स। सेकेंड है पिरामिड ऑफ बायोमास, ये यूजुअली अपराइट होते हैं। इसका एक्सेप्शन है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, बायोमास ऑफ फिशेज इज मोर देन फाइटोप्लैंक्टन्स। यहाँ पे थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑलवेज अपराइट होते हैं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। और ये जो है हमारा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलग से जरूर लिख कर रखें। तो ये सारे हमारे हो गए बायो क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे हम लोग केमिस्ट्री, देन आएंगे फिजिक्स पे। ओके।